तो दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होती हैं और हमारे शरीर में इसकी कमी क्यों हो जाती है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो है वो हमारे ब्लड का यानी हमारे खून का सबसे छोटा सेल्स होता है। और इसकी कमी होने का कारण क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब ब्लड कम हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं। और दिक्कत तब आती है जब आपकी प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो जाएँ, लगभग 20-30 हज़ार, तो आपको दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 के ऊपर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत खा पी के जो चीज़ें होती हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप उससे बढ़ा सकते हैं। वो मैं आगे चल के बताऊँगा उसको किस तरह से बढ़ानी है। तो भी मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स कम क्यों होती हैं, खून की कमी की वजह से। और खून की कमी कब होती है, देखिए जब आप लोगों को कभी फीवर होता है तो आप लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत फीवर है, तो आप लोगों ने कभी कभी खुद से ही कोई मेडिसिन खा ली या मेडिकल स्टोर वगैरह से ले ली। आप ठीक से अगर अपना इलाज नहीं करते हैं और वो बुखार बार बार उखड़ जाता है 10-15 दिन, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तब आपका ब्लड जो है वो जलने लगता है आपके ब्लड बॉडी में से ही, और इस वजह से आपके खून की कमी होती है जिससे आपके प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, और जिससे आपको और भी बीमारियों का होने का खतरा लगा रहता है, जैसे कि टाइफाइड भी हो सकता है आपको या डेंगू हो सकता है। अगर दोस्तों आपके शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो आपको उसकी भरपाई किस तरह से करनी है। देखिए सबसे पहले जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उनकी उम्र होती है 3 से लेके 5 दिन की उम्र होती है, यानी प्लेटलेट्स आपकी बनती हैं फिर टूटती हैं, ये आपकी जो प्रोसीजर है वो रोज़ाना चलता ही रहता है। आपकी प्लेटलेट्स घटती और बढ़ती रहती हैं, वो आपके डाइट का प्रभाव होता है उसको किस तरह से बढ़ानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी जो शरीर में जो प्लेटलेट्स कम हो गई हैं उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर वन पे आता है आपका जो पपीते के पत्ते होते हैं उसका रस, वो आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको बकरी का दूध लेना होता है जिससे आपके प्लेटलेट्स में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है इन दो चीज़ों से। और तीसरी चीज़ ये है कि आप गिलोय ले सकते हैं, एक गिलोय का एक पौधा होता है, आप उसके पत्ते वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर आपको वो नहीं मिलती है तो आपको मेडिकल स्टोर पे गिलोय की टैबलेट मिल जाती है, आप उसको भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो है चुकंदर का भी यूज़ कर सकते हैं या उसका रस का, और अगर आप गाजर भी लेंगे या उसका, दोनों का एक जो है रस बना के लेंगे चुकंदर और गाजर का, तो आपकी जो ब्लड की कमी है वो उससे दूर होगी और जिसकी वजह से आपकी प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ सकती हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो आप विटामिन सी टाइप के फल ले सकते हैं, जो आपके विटामिन सी वाले फल होते हैं, जैसे कि आप मौसम्बी ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं, ठीक है, पपीता वगैरह भी आप खा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है, कीवी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों ये एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया प्लेटलेट्स बढ़ाने का, जब जब आपकी ज़्यादा हालत गंभीर होती है या आपको फीवर वगैरह है तो आप उन सब में इन उन सब कंडीशन में ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आप जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं यानी आपका फीवर वगैरह नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक और वीडियो बना दूंगा आगे चल के, जिसमें आप और अच्छी डाइट वगैरह ले सकते हैं, जिसमें आपको एनर्जी वगैरह मिलेगी काफ़ी, और जिस जो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी सही रहेगा, और उससे आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएंगी। और साथ ही साथ आपको पानी की कमी नहीं होने देनी, अपने शरीर में पानी भरपूर पीना है आपको, लोग 8 से 10 गिलास आप दिन भरे में पानी को पी लें, क्योंकि आपकी प्लेटलेट्स का एक काउंट होता है, यानी आपकी प्लेटलेट्स आपके शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी शरीर में प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आपकी और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो है कमेंट्स में आके रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर ऐसी अगली वीडियो में, जय हिंद साथियों।